जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया, घोषित किया गया। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का पंजीकरण किया। दिल्ली में हज हाउस के लिए 4,67,00,000 रुपए दिए। 50 मदरसों में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम चलाया। ग्रामीण मदरसों में मिनी ITI खोले। 8 जिलों में PMT IIT की परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर शुरू किए, जो कि मुस्लिम समाज की अल्पसंख्यक संस्थाएं थी। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पहली बार पूरे देश में बहन कुमारी मायावती ने जारी किया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो ओबीसी समाज के, जो मुस्लिम समाज के थे, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया, उनको आरक्षण दिया, उनको छात्रवृत्ति दी सबको। तो ये काम बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है जो उन्होंने किए। तमाम देश के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी कहा था दलित मुस्लिम मिलकर बना रहे हैं सरकार। तो दलित मुस्लिम का एक ऐसा गठजोड़ है, अगर ये है जोड़ देश में जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की सरकार बनते हुए नजर आएगी। एक पैनल था मुस्लिमों का और उस पैनल ने जो है वह कांग्रेस के जो आला अधिकारी थे उनसे भी बैठक करी। आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, आप पिक्चर्स देख सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि बहन जी को आप अपने गठबंधन के अंदर लेकर आइए। लेकिन यह मुस्लिमों का पैनल था जो कांग्रेस में जाकर मिला, लेकिन मुस्लिम वोट BSP को क्यों दे वह हम आपसे जानेंगे। वीरेंद्र जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने जी। और मेरे ख्याल से देश में BSP ने पहली बार ये नारा लगाया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जी, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तो तब से SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये शुरू से रहा है, जिसको बहुजन समाज का नाम दिया, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आते थे, माइनॉरिटी में खास करके मुस्लिम समाज के। तो बहुजन समाज पार्टी का तो आधार ही यहीं से शुरू होता है। और बहुजन समाज पार्टी में 1984 में बनी और 1987 में जी देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे, ये बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया था और जो कहा वो करके दिखाया। भाईचारा बनाओ सम्मेलन साइकिल यात्रा के माध्यम से गोरखपुर में हुआ 13 दिसंबर 1987 को, इलाहाबाद में हुआ 85 में, दिल्ली में हुआ, पूरे देश में ये भाईचारा बनाओ सम्मेलन खास करके मुस्लिम समाज के लिए किए गए थे, मुस्लिम समाज को BSP से जोड़ने के लिए जी। और उसके बाद लगातार ये आपस में भाईचारा बनाने के लिए लगातार काम किया जाता रहा मुस्लिम समाज के लिए जी। क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी ने कि अगर हम दलित मुस्लिम का इतिहास उठा के देखें तो आप देखेंगे जो ज्योतिबा फुले से ये कहानी शुरू होती है। ज्योतिबा फुले जब शिक्षा की शुरुआत की थी उस समय हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया था, उनके पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनको अपने घर में पनाह दी थी, स्कूल के लिए जगह दी थी। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे तो गोलमेज सम्मेलन में जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने बाबा साहब का साथ दिया था। गांधी एंड कंपनी ने बहुत उनको कोशिश की कि मुस्लिम नेता जो है बाबा साहब के साथ ना जाए, लेकिन मुस्लिम समाज के जो आला नेता उस समय थे, कई सारे नाम थे, सबने जो था बाबा साहब का साथ दिया था। और बाद में भी कई ऐसी जो है वो आई, जब बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का और महाड़ताल सत्याग्रह किया था, मनुस्मृति दहन किया था, मैं वहां महाड़ जाकर के देख के आया, तो बाबा साहब को कोई जगह नहीं दे रहा था। तो मुस्लिम समाज के जो साथी थे वहां, उन्होंने बाबा साहब को ये प्रोग्राम करने के लिए जगह दी थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज हमेशा से दलित समाज के साथ रहा है और यही कारण है कि साहब काशीराम ने ये सारी बैकग्राउंड और इतिहास समझ करके जो बहुजन समाज बनाया उसमें खास करके अल्पसंख्यक में
मुस्लिम समाज को हमेशा बहुत बड़ी हिस्सेदारी दी, और जितनी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी ने दी, आज तक देश में जितनी भी पार्टियां बनी है, किसी भी चुनाव में चाहे लोकसभा का रहा हो चाहे विधानसभा का रहा हो, मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत कम टिकट देने का काम करते थे। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी देश में बनी जिसने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा दिया। और सिर्फ नारा नहीं दिया, नारे को धरातल पर उतारा और मुस्लिम समाज को उनकी संख्या से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व हर जगह दिया गया, चाहे संगठन की बात हो चाहे टिकट की बात हो, हर जगह सबसे ज्यादा अगर टिकट दिए हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं मुस्लिम समाज के लोगों को। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास है, कोई भी जाकर के इलेक्शन कमीशन के उस पर जाकर के चेक कर सकता है कितने कितने टिकट दिए। और जो टिकट दिए वो ऐसे नहीं दिए कि हारने वाली, जहां मुस्लिम समाज की आबादी 50% 30% से ज्यादा थी, 50% थी, 60-70% थी, ऐसी जगह मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया था, लेकिन वो जिता करके नहीं ला पाए। तो बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने, और संगठन की अगर बात है, मंत्री पद की बात आती है, तो बहन कुमारी मायावती की जब जब सरकार रही उत्तर प्रदेश में, चार बार, चारों बार मुस्लिम समाज के उनकी संख्या के अनुपात से और ज्यादा मंत्री बनाए और अच्छे मंत्रालय उनको दिए। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें जो पार्टी छोड़ गए, उनको सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय चारों सरकार में बहन कुमारी मायावती ने, और एक नहीं कई कई दिए। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और अगर हम बात करें 1995 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, 4.5 महीने के बाद ही सरकार को बहन कुमारी मायावती ने लात मार दी थी। क्यों मार दी थी? इसमें बहुत बड़ा कारण मुस्लिम समाज के हित की रक्षा करने के कारण लात मारनी पड़ी थी। क्या थे वो कारण? जैसे अभी आपने देखा होगा बनारस की श्रृंगार गौरी पे उन्होंने पूजा की इजाजत दे दी, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी चल रहा है, मथुरा का वहां भी दे देंगे। ये सब काम जो है 1995 में करना चाहते थे, बाबरी मस्जिद भी गिराना चाहते थे, ये सारे काम करना चाहते थे 1995 की सरकार में दबाव बना करके। लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं, 31 जुलाई 1995 को काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वहां ज्ञानवापी मस्जिद है उसके बराबर में, जिसमें श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक करना चाहते थे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सारे हिंदू संगठनों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक का प्रोग्राम बनाया था। ये जो प्रोग्राम था ये 31 जुलाई 95 को होना था, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। इन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी कि इजाजत नहीं देंगे तो जबरदस्ती करेंगे। बहन जी ने 15 कंपनी पीएसी और सीआरपीएफ की वहां लगा दी थी और किसी को पास फटकने नहीं दिया था। ये बात है ज्ञानवापी परिसर बनारस की। और दूसरा प्रकरण था 18 अगस्त 1995 को कृष्ण जन्माष्टमी पर फिर विश्व हिंदू परिषद मथुरा में जो है विष्णु महायज्ञ करना चाहते थे। विराट इन्होंने बहुत प्रोग्राम रखा था जिसके लिए कोई परमिशन वगैरह नहीं ली थी। शाही मस्जिद परिसर में बहन कुमारी मायावती ने वहां 3 घेरे बनाए थे। पहला घेरा 3 किलोमीटर की दूरी पर, दूसरा घेरा 2 किलोमीटर की दूरी पर और तीसरा घेरा 1 किलोमीटर की दूरी पर। और ये आदेश कर दिया था कि जो पहले घेरे को तोड़ने की कोशिश करे उन पर आंसू की वो पानी की बौछार आंसू गैस छोड़ी जाए। उसके बाद भी दूसरे घेरे तक भी कोई आता है तो लाठी चार्ज किया जाए, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तीसरे घेरे पर कोई आता है तो सीधा फायरिंग की जाए, गोली चला दी जाए कोई भी हो। ये आदेश बहन जी ने दिया था और वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा का सारा इतिहास गवाह है
और इसके लिए इन्होंने बहुत दबाव बनाया था बीजेपी की सरकार ने, और ये सोचते थे कि बहन कुमारी मायावती अगर चाहती तो 5 साल तक मुख्यमंत्री बनी रह सकती थी अगर ये परमिशन बहन कुमारी मायावती उस समय दे देती। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने कुर्सी की चिंता नहीं की, मुख्यमंत्री पद को ठोकर मार दी इन दो कारणों के कारण कि हम सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, मुस्लिम समाज के लिए कोई हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये बहन जी ने करके दिखाया, और जब बीजेपी ने ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की तो बहन जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी। दोबारा फिर सरकार बनी जब 6 महीने की, तब भी इन्होंने कोशिश की दोबारा बहुत सारे करने की, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही सख्ती के किया, और मुस्लिम समाज के लिए जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस समय भी बात हो गई थी कि हम जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे, और दूसरी बार जब सरकार बनी तो उसमें अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया पहली बार उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम समाज के जो ओबीसी के छात्र थे उनको छात्रवृत्ति दी और बाद में दोगुनी कर दी, जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया घोषित किया गया, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का पंजीकरण किया, दिल्ली में हज हाउस के लिए 4,67,00,000 रुपए दिए, 50 मदरसों में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम चलाया, ग्रामीण मदरसों में मिनी आईटीआई खोले, 8 जिलों में पीएमटी आईआईटी की परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर शुरू किए जो कि मुस्लिम समाज की अल्पसंख्यक संस्थाएं थी, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पहली बार पूरे देश में बहन कुमारी मायावती ने जारी किया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो ओबीसी समाज के जो मुस्लिम समाज के थे उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया, उनको आरक्षण दिया, उनको छात्रवृत्ति दी सबको। तो ये काम बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है जो उन्होंने किए। इसके अलावा हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, बीएसपी के कारण सुरक्षा की भावना जागृत हुई मुस्लिम समाज में, ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी मुस्लिम से पूछ लेंगे तो मुस्लिम समाज और जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही ये सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और बिल्कुल नहीं हुए, ये इतिहास इस बात का जवाब है, उत्तर प्रदेश पूरा देश पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसके अलावा और हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, ये बहन कुमारी मायावती की लिखी हुई किताब है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट दी है जिसमें 22 ऐसे काम हैं जो सिर्फ बहुजन मुस्लिम समाज के लिए किए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीत
छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।